लोगों को हंसाने के लिए, फंसाने के लिए अभी पता चलेगा फंसे कि नहीं फंसे। कल अब कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही घंटे रह गए एक्चुअली, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि एक किस्म की बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, एक अलग किस्म की कॉमेडी भी है, अलग किस्म का कॉन्टेंट भी है। तो या होपफुली लेट्स सी, ईगली वेटिंग नाउ फॉर द रिस्पॉन्स। हम लोग तो रेडी हैं, आई होप कि लोग जाएं, अगर उनको कुछ प्रोमोस पसंद आए, गाने पसंद आए, दे शुड गो, दे शुड एंजॉय द फिल्म। हमने बहुत मेहनत की है, सो आई होप यू लाइक द। हाँ हाँ, नॉट ओनली मेरी बहन का, ऐसे बहुत लोग हैं मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी सारे फिल्में देखें। एंड ऑफकोर्स ऑडियंस से पहले आई थिंक हमारी फैमिली देख लेती है, तो अगर वो बोलती है कि अच्छी पिक्चर है, तो जैसे कि आपने कहा हाफ द बैटल इज वन, बट ऑफकोर्स ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जाएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, तो आई होप दे ऑल्सो लाइक इट। जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारी पिक्चर में, जो एकदम टिपिकल हीरो या हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स नहीं है, एकदम किस्म के कि प्यार हमेशा एक करेक्ट आदमी और करेक्ट लड़की के बीच में नहीं होता है। प्यार कभी कभी दो नॉट सो करेक्ट और थोड़े टेढ़े लोगों के बारे में या थोड़े रियल लोगों के बारे में जिनमें काफ़ी खामियाँ होती हैं उनके बीच में भी हो सकता है। तो ये आई थिंक हमारी USP है, जो दो कैरेक्टर और दुनिया बनाई है विनिल मैथ्यू ने, कि थोड़े टेढ़े लोग, थोड़े रियल लोग, थोड़े हर किसी में थोड़ी खामियां होती है, हर कोई थोड़ा टेढ़ा होता है, हर कोई थोड़ा अजीब होता है, तो कैसे दो अजीब लोगों के बीच में प्यार होता है, आई थिंक वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। अच्छा, लव स्टोरी तो है ये पिक्चर, आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स। हाँ, ये पिक्चर वैलेंटाइंस डे स्पेशल होगी ऑफ कोर्स। आई थिंक अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, पिक्चर करेक्ट है, इसमें काफ़ी रोमांस है, उतना क्यूट मोमेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। लव स्टोरी ऑलवेज गुड फॉर अ रोमांटिक, फॉर अ वैलेंटाइंस डे, एंड हमारी में काफ़ी लव है और काफ़ी रोमांस। मुझे बहुत इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे यहाँ मैं चोट दिखा सकता हूँ आपको, मुझे जीन्स का कवर करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ तो मेरे जख्म दिखते हैं, तो ये देखिए, तो ये टॉर्चर है। नहीं नहीं, सेट काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी यंग था, काफ़ी कूल सेट था, काफ़ी बेसिक सेट था। आई थिंक हमारे स्पेशली मेरे लिए SOTY सेट से बहुत अलग था, पता चला कि कितने हम लोग वहाँ पे बिगड़े गए थे, कितने स्पॉइल्ड थे। बड़ा काफ़ी मज़ा आया पिक्चर शूट करते हुए, काफ़ी और चीज़ें करी है इस पिक्चर में हमने, काफ़ी और सिचुएशन में गए हम लोग, लव सीट जैसा, या तो गाड़ी में ड्राइविंग करते करते हिचकी के बारे में इनसे सुनना, या एक मीटिंग है मेरी जो मेरी एक स्टीम रूम में मीटिंग होती है, तो काफी ऑड सिचुएशन है, आप देखेंगे पिक्चर में। हम एक्चुअली शो पे इसलिए गए हैं ताकि हम दिखा पाए कि कोई दो तलवारें नहीं है। वो मेरी दोस्त है, हम दोनों तब से दोस्त हैं जब SOTY रिलीज भी नहीं हुई थी, और अभी तक टच वुड कुछ बदला नहीं है। तो उसने जेन्युइनली एज ए फ्रेंड बोला था कि आई थिंक परिणीति को अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग उस काउच पे इसलिए गए ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं। सब आधा हट के कौन सा पेपर और कौन से ट्विटर पे जाते हैं, बताओ प्लीज। नहीं, उन्होंने बस ये कहा था कि जब उन्होंने वो कैरेक्टर लिखा था तो उन्होंने एनविजन किया था कि मैं या मेरी जैसी कोई एक्ट्रेस उसके लिए करे, क्योंकि उनको शायद कॉन्फिडेंस था मेरे में, लेकिन ये मेरे लिए नहीं लिखी गई है, मेरे से 3 साल पहले से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। बट आई एम ग्लैड कि विनिल सर को इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में और सिद में, और उन्होंने हम दोनों को इस पिक्चर में। होता है 3-3 बजे तक ऐसा कुछ नहीं था कि हमें उन्हें जगाया, हम एक्चुअली रिसेंटली हमारे पास टाइम नहीं था रबिंग करने का, तो वो काफ़ी स्ट्रेस थे, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट आदमी है विनिल मैथ्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है, आई थिंक काफ़ी टैलेंटेड है। आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह अपने एड फिल्म बनाए उसी तरह एक पिक्चर बनाई है, काफ़ी सॉफ्ट मोमेंट है। बट हाँ, काम हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें जरूरी हमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम करा। दोनों को पिक्चर पसंद है, एक्चुअली दोनों को थोड़ा उनका कॉम्प्लीमेंट लेना था, अलग बात है, बिकॉज उन्होंने ही पिक्चर प्रोड्यूस करी है, उनको ऑब्वियसली पिक्चर पसंद थी, तभी उन्होंने बनाने के लिए बोला, और उनको कॉन्टेंट पहले से पता था कि क्या है। बट दोनों काफ़ी सरप्राइज थे कि किस किस्म की पिक्चर निकली है। आई थिंक जो एक दुनिया बनाई है विनिल मैथ्यू ने, जो एक कॉमेडी करी है विनिल मैथ्यू ने, जो एक किस्म का एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद इस चीज़ में लोगों को हंसी आ सकती है, उन्होंने काफ़ी नई किस्म की सिचुएशन बनाए, तो वो दोनों सरप्राइज थे, अनुराग जी भी और करण जी भी। तो अच्छी बात होती है जब दो ऐसे इंटरेस्टिंग और बिग फिल्म मेकर्स आपके काम को पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं। विकास बहल, मधु मंटेना,
ये सब प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको हम लोग जो भी सेट होता था हम बोलते थे आके एक सीन करो, तो सिन ने ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ एक्टिंग की है पिक्चर में। हमारे पास बट इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन एंड प्ले एंड वी डिड हैव टू से यस, बजट प्रॉब्लम थी और बाकी एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाए हम लोग, तो हमने कहा कि आप फ्री में काम करोगे लेकिन जितने लोग थे सबको यूज कर लिए, ऐसे हमने कम बजट में पिक्चर बनाई। पहली पिक्चर से काफी अलग था बिकॉज सडनली रोल रिवर्स हो गए, मैं एक पिक्चर पुराना था और डायरेक्टर यू नो नया था डायरेक्टर, पर वो कहना उनके लिए सही नहीं है बिकॉज उन्होंने विनिल मैथ्यू ने काफी एड फिल्म्स करी तो टेक्निकली बहुत साउंड है, ऑफ कोर्स एक उन्हें पूरी पिक्चर में बनाई, तो आई थिंक मेरे पे ज्यादा एक किस्म का वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज एन एक्टर बिकॉज नाउ आपको पता होना चाहिए कि आप पिक्चर में क्या कर रहे हैं, आप तो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एज एन एक्टर बिकॉज आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे लिए अच्छा था आई थिंक, मेरे को ज्यादा पंप अप कर दिया इसके लिए, मैं ज्यादा अवेयर हो गया स्क्रिप्ट के बारे में पिक्चर के बारे में, तो लेट्स सी होपफुली वो सब मुझे जितनी भी अकल है उतनी मैंने यूज करी है पिक्चर में और कुछ दिखना चाहिए आपको एज अ कैरेक्टर। I think if a girl smiles at you, it's not that she's fallen for you. I think it's smiling is just a positive thing. It's a very welcoming thing. It's like she wants to, I mean, she likes you. Or maybe she wants to talk to you more. She's interested. Oh, she's interested, hopefully. So hopefully it's apt for some of the girls. What do you think? yeah, definitely. Like you said, it's not just ke, jaise hum kehte the, hasi to bazi, sirf hasne se phas jate, aisa nahi hai. I think it's the beginning. I think it just means that there could be a possible friendship, possible relationship, that she's not completely against you. So I think it's just the starting point, not the ending.